हेलो शार्क्स, मेरा नाम रघुवीर है। मैं स्टेमटेक मेडिकल डिवाइसेस का फाउंडर हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और IIM रांची का 2012 अलुमनाई हूँ। आज कीमोथेरेपी के द्वारा हुए हेयर लॉस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो वेल रिसर्च्ड है, जो ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी है, वो है स्कैल्प पुलिंग थेरेपी। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। शायद इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी है जो ये डिवाइस बना पाए हैं, उसमें से हम तीसरे हैं। ये सिस्टम हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्स ये ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करती है। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 12 हॉस्पिटल अक्रॉस 5 states और 1000 से भी ज़्यादा सेशंस इस डिवाइस के जरिए कंडक्ट किया। मेरा विजन ये है कि आगे जाकर जब हम कभी भी कैंसर पेशेंट के बारे में सोचें, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके सर पर बाल हो और कैंसर से लड़ने की एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो। आज मेरी आस्क है 30 lakhs फॉर 1.2% इक्विटी इन माय कंपनी। चलिए शख्स, कैंसर पेशेंट्स की पहचान को बदलते हैं। ये सिस्टम 2 beds के बीच में रख सकता है और दोनों पेशेंट्स को एक ही बार देखें, इट कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फीमेल, पेशेंट एज ग्रुप, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर स्कैल्प पुलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, प्री इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन एंड पोस्ट इन्फ्यूजन। यानी इसे कीमोथेरेपी के पहले दिया जाता है 30 minutes तक, कीमोथेरेपी के दौरान अज्यूम 1 hour इज द इन्फ्यूजन ड्यूरेशन, और पोस्ट इन्फ्यूजन सेलेक्ट 1 hour। नाउ द मशीन इज रेडी टू स्टार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन जो है मोबाइल कूलिंग यूनिट, ओके, और हमारा दूसरा पार्ट है ये कूल कैप। द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर स्कैल्प कूलिंग इज द एंटायर स्कैल्प रीजन, जो होता है उस सब रीजन को कूल करना होता है जहां पर हेयरलाइन हो। तो ये जो कैप है, इट इज inspired from a lotus design. It's extremely flexible. Like as you can see, I can wrap it in the palm of my hand. Yeah. तो इसका हम देखते हैं डेमो कैसा है। अगर आप में से कोई आके महसूस करना चाहते हैं इसका कूलिंग कैसा होता है, प्लीज। So I'm going to start it. जी, जेल लग रहा है। This is a cool gel. It's very cold. It is. बहुत ठंड है जी। और ये आपको स्कैल्प पे रखना पड़ता है? Yes. ये तो वो जो हम फ्रीजर में रखते हैं ना, जेल पैक वही है? नहीं, पर ये लोग सिर पे कितना देर रखना पड़ता है? 3 घंटे से 5 घंटे डिपेंड करता है। लगा के दिखाइए। Yes. Now, अगर बड़ा साइज हेड है तो इट विल अकोमोडेट अकॉर्डिंग। द सेकेंड स्टेप इज द इंसुलेशन कैप, क्योंकि ये फर्स्ट कैप कॉन्टैक्ट देता है, सेकेंड कैप will give the exact pressure that is required. ये medically certified है क्या? आप इतना ठंड? It is registered with CDSC. और दो companies भी है ना, आपने बताया। जी। रघुवीर जी, थोड़ा आपका business बता दीजिए। December last year, हमने ये product को market में introduce किया। In financial year 22-23, we have done 22.5 lakhs of revenue. In the current year, April to November, we've done about 59 lakhs of revenue. और profit? Unit economics में we have about 85% gross margin. Last year our total expenses were about 1 crore, our revenue was 22 lakhs. This year we have done 59 lakhs of revenue at 85 lakhs expenses. आपका एक मुझे समझ में नहीं आया, 15% COGS है, तो फिर इतना high price क्यों किया है? आप कम price करके इसका volume क्यों नहीं बढ़ा? तो the adoption of this technology is price is not the barrier. It is 100% the barrier agar aapko small cities mein jana hai. Yeah, I don't think so. I don't think it's a barrier. Jahan tak main samajhta hu, medical devices mein 13 lakh koi badi baat nahi hai. Nahi, but Anupam, this is not curing the disease. इसी पे बेचिए tier 2 के लिए, later एक different looking machine launch करके 3-4 lakh में, that is a good approach. आपका पूरे साल का रेवेन्यू क्या बनेगा? 1.2, उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? We would more or less be in a break-even sort of position. चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ। 30 lakhs, 2%, बट तेरा एक काम है, नमिता को इन करवाना पड़ेगा। आप जिस भी शाख को चूज करें, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो उसको लेकर के मेरी 100% बेस्ट विशेस रहेंगी। सेल्स पिच क्यों दे रहे हो? तो सुन लो ना जी, आपने तो अपना ऑफर दिया नहीं दोस्त, मेरे को तो दिले ने दो।
20 लाख रुपए, 1.2% इक्विटी ओनरशिप जो आपका आज था, मैं आपको वो देने के लिए तैयार। मैं, रितेश, नमिता, हम तीनों देखो मिलके एक ऑफर देते हैं, 30 लाख फॉर 1.8%। अमन, रितेश एंड नमिता जी, डील पक्की। गुड जॉब, गुड जॉब, सुपर सुपर, ग्रेट, अनरियल ब्रो, लाइफ इज लाइक दैट। फाइनली मेडिकल डील में इन्होंने किसी और को लिया है, पता है? मेरा नाम अमय देसाई है और मैं मुंबई से हूँ। शख्स, आज इस देश में 10 लाख के आसपास लोग पार्किंसंस डिसीज से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए उनका मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता। पार्किंसंस डिसीज के 90% पेशेंट्स आर ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। एक पार्किंसंस पेशेंट को चलते समय ऐसा लगता है जैसे उनके पैर है ना जमीन पे से चिपक गए, राइट? सो वो उठा नहीं पाते। आप इमेजिन कीजिए अगर चलते चलते ऐसा हो जाए तो यू विल जस्ट काइंड ऑफ ट्रिप, राइट? तो वो ऐसे आगे गिर जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ गेट कहते हैं इसे। फ्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कहीं भी हो सकती है। घर में चलते वक्त, टर्न लेते वक्त, फर्नीचर के बीच ऐसे नेविगेट करते वक्त, या इवन रोड पर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप वहाँ भी गिर सकते हैं, राइट? और इससे सीरियस इंजरीज हो सकती है, शोल्डर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, डेथ भी हो सकती है। हमने बनाया वॉक। वॉक इंडिया का पहला वेयरेबल मोबिलिटी एड है जो पार्किंसंस में फ्रीजिंग ऑफ गेट में हेल्प करता है। वॉक पहनने से जो चलने का डर था, जो गिरने का डर था, वो एकदम कम हो जाता है। सो ये एक ऐसा वेयरेबल बैंड है, इसे ऐसे पैर पर पहना जाता है। दोनों पैर पे इसको पहनते हैं एंड इससे स्टिम्युलेशन जो होता है उससे चलने में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है। देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन इट? नो, इट यूजेस हैप्टिक्स, अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बैटरी पावर्ड होता है? यस, बैटरी पावर्ड। अच्छा, ठीक। अब हमने वॉक को 150 से ज्यादा लोगों पर पायलट किया है एंड वी हैव हैड मोर देन 80% एफिशिएंसी। नितिन शिरोडकर जी करके है, उन्हें पार्किंसंस है। वो हफ्ते में 5-6 बार तो गिर ही जाते हैं। It has been 9 years since I have been diagnosed for Parkinson's. See, the moment I walk straight, there is no problem at all. The moment there is an obstacle in front of my root, then my leg freezes and then I try to fall down. जमीन पे चिपक जाता है, तो मेरे को difficulty होती है पैर उठाने की। डर लगता है जो आप मुड़ते हैं तब। डिवाइस डालने के बाद उनका जो टर्निंग है ना वो इजी हो जा रहा है। बेल्ट स्टिमुलेट्स द माइंड, क्या कौन सा लेग उठाना चाहिए, उसे आसानी हो जाती है, गिरने का डर कम होता है। उनकी वॉकिंग स्टिक भी छूट गई? यस। मोबिलिटी है ना, वो हर एक इंसान की एक बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी है और मैं इसीलिए वॉक को हर बुजुर्ग के हाथ में पहुँचाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी आस्क है 50 lakhs for 1.5% equity. आपके advisors कौन है? My final semester was spent at University of Leeds. अच्छा, ठीक है। तो वहाँ मेरे जो supervisor थे, he is very good at all everything related to spinal neurophysiology. उसके अलावा कोई है as an expert advisor? Yes. So we have a panel of neurologists. कितने neurologists हैं? About 5 neurologists who are advising us on this. और ये अभी proof of concept है या बेचते हो? नहीं, ये रेडी है, बट हमारे कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। हमने जस्ट फंडिंग वगैरह कर लिए। फंडिंग कर लिया? बेसिक फंडिंग, एक ग्रांट मिल गया हमें जिसके वजह से हम हमारा रेगुलेटरी स्टेप्स सारा कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइस क्या है इसका और यूजफुल लाइफ? सो यूजफुल लाइफ इज बिटवीन 2 and 5 years एंड इसका प्राइस 36,000। 36,000। आई वुड गिव 50 lakh फॉर 5% ऑफ इक्विटी। आई एम विलिंग टू मैच अमित की जो ऑफर है, 50 lakhs, 5%. तो 50 lakhs for वही 5%. Aman and I will come in together. मैं अपनी offer revise करती हूँ to 4%. चलो मैच किया। मैं भी अपना offer revise कर रहा हूँ 3.5%. 3.5%. Okay, 3.5%. अब आप जाइए और सोच के आता हूँ। Thank you. All the best. बोलिए अमाय जी, आप किसको चुनेंगे? तो मेरा एक काउंटर ऑफर है 2.3% फॉर 50 lakhs। डील डन, चल हम करते हैं। आई एग्री, चल हम करते हैं। आई वुड गो विद डाइवर्सिटी हियर, सो सॉरी अमित जी, बट अनुपम एंड ऑल द बेस्ट। गुड जॉब, गुड डिसीजंस, गुड जॉब, इट्स अ कूल एंटरप्रेन्योर।
शार्क्स, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हैं जो दुनिया के 100% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये है एजिंग। कौन यंग नहीं फील करना चाहता है, चाहे वो महाभारत के ययाति हो जिन्होंने अपने ही बेटे को अपना बुढ़ापा देके उनसे उनकी यूथ ले ली, या फिर आज के ब्रायन जॉनसन जिन्होंने अपने बेटे के ब्लड प्लाज्मा को खुद के अंदर इंजेक्ट किया ताकि वो खुद की बायोलॉजिकल एज रिवर्स कर सके। हर कोई ओल्ड एज से बचना चाहता है, और क्यों नहीं, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लगभग 70% से ज्यादा लोगों को अपनी असली उम्र से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हर कोई यही चाहता है कि वे अपना जीवन बिना बीमारी या कमजोरी के बिताए, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में मुमकिन है? मॉडर्न साइंस कहता है ये मुमकिन है, और इस साइंस को आप तक पहुंचाने आए हैं हम। शार्क्स, मेरा नाम है दर्शित। मैं हूं पार्थ। मैं हूं राकेश सोमानी। हम है फाउंडर्स ऑफ डीकोड एज, इंडिया की पहली और ओनली लॉन्जेविटी यानी कि हेल्दी एजिंग फोकस्ड कंपनी। डीकोड एज के द्वारा हमारा विजन है कि हम 80s को नया 50s बनाएं, और इसके लिए हम लाए हैं एक यूनिक 3P अप्रोच। हमारा पहला पी है प्रिवेंट, जिसमें हम यूनिक सेट ऑफ सप्लीमेंट्स लाए हैं जो आपके एज रिलेटेड सिम्टम्स और साइंस को टारगेट कर पाए। हमारा दूसरा पी है प्रिडिक्ट, जिसमें हम दो टेस्ट लेकर आए हैं, एक है बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग और दूसरा है गट माइक्रोबायोम टेस्टिंग। हमारा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पी है पर्सनलाइज, जिसमें हम आपके यूनिक बायोलॉजिकल डेटा को यूज करके आपके लिए टेलर्ड प्रोटोकॉल्स बनाते हैं बायोलॉजिकल एज और उससे जुड़े एस्पेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए। हमने आज तक 20,000 लोगों की हेल्दी एजिंग जर्नी में हम लोग जुड़े हैं, और हम अब चाहते हैं कि आप लोग भी अब हमारे साथ जुड़े, और उसके लिए हमारी आस्क है 1 crore rupees फॉर 1.25% स्टे। शार्क्स, सो लेट्स डीकोड एज एंड स्टे एजलेस। वाओ, तो आपका रेवेन्यू क्या है और ये सप्लीमेंट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू? अभी हमारा करंट रेवेन्यू 11 करोड़ के ARR से चल रहा है। तो 11 करोड़ पूरा का पूरा सप्लीमेंट्स है? नहीं, सो 92% 93% सप्लीमेंट्स है, 70% सप्लीमेंट्स बेस्ड, बिकॉज़ टेस्ट हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और इसमें मार्जिन कितना बचा? हमारा COGS 30% है, 70% ऑपरेटिंग मार्जिन। EBITDA लेवल? EBITDA लेवल अभी बिकॉज हम लोग टेस्टिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी आर बर्निंग -10%। EBITDA लेवल ऑन सप्लीमेंट्स? ऑन सप्लीमेंट्स वी आर गेनिंग, वी आर अर्निंग 10%। अच्छा, आप 8-9 लाख का बर्न कर रहे हो पर मंथली? हां, अभी 8-9 लाख का बर्न। और फंडिंग कितनी उठाई है? लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने 1.13 crore उठाई थी। वैल्यूएशन? 60 पे। 60 crore? या 1.8% डाइल्यूट किया है, तो सारा ही आपके पास है? हाँ, सारा ही हमारे पास। Having said that, इसमें आप, you are the only company जो ये दोनों चीजें कर रही है, टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट और सप्लीमेंटेशन। पर मेरा मानना ये है कि ये दोनों अलग बिजनेस बनेंगे। आप मेहनत करोगे, अवेयरनेस बिल्ड करोगे, पर बिजनेसेस जो मलाई है वो ये दो लोग खाएंगे, लैब टेस्टिंग वाले लोग एंड सप्लीमेंट वाले लोग। तो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। तो मैं समझ ही नहीं पाया अभी तक कि अपन लोग राइट टू विन क्या है। प्रोडक्ट सारे हम लोगों ने बाहर से मंगाए हैं, मशीन हम बाहर से ला रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन मेरे को पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो आज मैं बाहर होना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता ये चीजें इफेक्ट कर सकती अभी जब तक ये प्रूव ना हो जाए साइंस बैक्ड इतना ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे को प्रूव अभी नहीं लगा। आई एम आउट, बट साइंटिफिक रिजल्ट नहीं बता पाए। जब भी मैंने प्रोडक्ट पूछने की कोशिश करी ना, आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए कि होता क्या है। आपको 1 crore रुपए दूंगा, मैं 2.5% लूंगा, एंड I want 1% of revenue until I make 1.5x of my money. Okay. Royalty deal in an unprofitable company. Yeah. Yeah. Loss बना रहे हैं यार। No, not true. आपने ध्यान नहीं दिया। Supplements पे 10% profitability. So that's where I am taking the royalty. पर company level पे तो burn ही कर रहे हैं ना भाई। That's okay, but that will decrease ना। What do you think, guys? हमारा एक counter offer है। हाँ जी बोलिए। 1.75% and no royalty piece because at the end of the day अभी हम लोग burn कर रहे हैं। Exactly. आप royalty कम कर दो, आपको चाहिए आप एक साल ले लीजिए, get to profitability, then start the royalty. और अगर आपका next round हो गया institutional, I will take off the royalty at that point. चाहे कितना भी मेरा recover हुआ। हमारा counter 1.75 का था, would be great if we can close at that. Royalty और profitability के बाद हम लोग settle कर लेंगे, that is fine.
माय लास्ट ऑफर इज 1 crore एट 2.25%, राइट? आपकी इज्जत रखने के लिए मैं वो कम कर रहा हूँ. रॉयल्टी आफ्टर यू टर्न प्रॉफिटेबल बट नॉट मोर देन 6 months अंटिल आई मेक 1.5x ऑफ माय रिटर्न, राइट? एंड देन इट गोज अवे. दैट्स माय ऑफर. यस और नो गाइस? All right. Okay. All right. All right. Let's All deal. Right. Deal. 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 You will not regret it. Thank you. Here we go. Wonderful. Thank you. Finally. Good job.